I think we will get started. Sainam, everyone, I think this is a unprecedented day, the first day jab hum global seminar kar rahe hain. Ab hum main dekh sakta hu ki you know Sai devotees USA se, Singapore se, Canada se, India se, London se, all over the world they are logged into this seminar. And I think you know Baba kehte hain ki jab bhi tum jahan par bhi tum mera naam lo, meri story suno, वहीं पर द्वारका माई हो जाती है और वहीं पर मैं आ जाता हूं. तो आज यू नो जब हम तरखन जी से सुनेंगे, आई नो तरखन जी फॉर लास्ट 5-6 इयर्स, आई कैन गारंटी यू कि आप सब उस टाइम चले जाओगे 1908-1910 जब बाबा साहिब तरखन भाऊ साहब और उनकी मदर सीता देवी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वो जब वहां जाते थे और उनके क्या एक्सपीरियंस होते थे. इट्स लाइक यू नो आपके इट्स रियली दोज आर मिरेकल्स. सो और कुछ कहने से बिलाए यू नो आई विल हैंड इट ओवर टू तरखन जी. तरखन जी आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए. वीरेंद्र तरखन जी आप अपने फैमिली के बारे में बताइए और उसके बाद हम सब डिवोटिस को बताइए कि जो जितेंद्र तरखन जी थे, भाऊ साहब जो कि इतने यू नो देवर वन ऑफ द रिच पीपल ऑन दोज डेज लाइक अंबानीज, और शिरडी जिसको जो कि किसी को पता नहीं था कि शिरडी कहाँ पर है, वो कैसे भाऊ साहिब शिरडी पहुंचे और 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 जो बाबा साहिब थे रामचंद्र तरखन जो कि आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे और सेंट्स में नहीं बिलीव करते थे, वो भी वहां कैसे पहुंचे. तो ओवर टू यू तरखन जी. थैंक यू. ओम श्री साई नाथाय नमः. मेरे प्यारे साई भक्तों, माय डियर साई डिवोटीज, मेरी तरफ से आपको हार्दिक नमस्कार. मलिक जी ने मेरा जो छोटा इंट्रोडक्शन दिया है उसको मैं थोड़े बड़ा करके आपको बताऊंगा. मलिक जी ने मुझे कहा है साई भक्त. एक्चुअली क्या है, एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे लिए साई भक्ति इज एक्चुअली आई हैव इनहेरिटेड. ये हमारे फैमिली में साई भक्ति शुरुआत हो गई वो मेरे ग्रैंडफादर रामचंद्र तरखन जी, मेरी ग्रैंडमदर सीता देवी तरखन, मेरे पिताजी ज्योतिंद्र तरखन और मेरी माताजी जो मैं आपको बताऊंगा. ये मेरी माताजी है, उनका नाम लक्ष्मी देवी तरखन. सो दैट इज अ सेकेंड जनरेशन. और मैं और मेरी मिसेस कुंदा जी तरखन जो यहाँ पर बैठी हुई है आप देख सकते हो, दैट इज अ थर्ड जनरेशन. और मेरे लड़का और लड़की दोनों अवेलेबल है, दैट मीन दैट इज द फोर्थ जनरेशन. तो आज ये तरखन फैमिली की जो साई भक्ति है इट हैज रीच द फोर्थ जनरेशन. अभी इंटरेस्टिंगली मैं बताना चाहूंगा आपको ये फैमिली की स्टोरी. मुझे प्लीज क्षमा कीजिए, मैं आपको इस ढंग से बताऊंगा तो आप मत सोचिए कि मैं अपनी फैमिली की बधाई मारता हूं. लेकिन जो कुछ हुआ वो इस प्रकार हुआ और ये फैक्चुअल है. संक्षेप में, इन शॉर्ट, जो सीता देवी जी है उनको माइग्रेन की बीमारी थी. तो सर इतना दर्द होता था तो पूरे घर में उनके जो ससुर जी थे, उन फेमस डॉक्टर थे वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखन,
फिर उनके दो बेटे थे जो कि मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर लोग थे, वो भी दोनों डॉक्टर थे। और मेरे पिताजी, उनके जो भाई, बड़े भाई थे, वो भी डॉक्टर थे। अभी ये मतलब संक्षिप्त में मतलब डॉक्टर फैमिली थी। और उस जमाने में ये लोग को MBBS नहीं बोलते थे, उन लोगों की डिग्री थी GGMC, मतलब ग्रेजुएट ऑफ ग्रैंड मेडिकल कॉलेज। तो ये सब GGMC थे, लेकिन ये इतने डॉक्टर होने के बावजूद मेरी दादी की माइग्रेन की बीमारी नहीं जाती थी, वो काफी परेशान होती थी। तो उनके घर में एक मेड सर्वेंट थी, उन्होंने उनको बताया, अरे माँ जी आप ये रोज क्या सर दर्द बोलते रहती। तो बांद्रा में, उस जमाने में ये लोग बांद्रा में रहते थे, तो बांद्रा में एक मस्जिद है, वो मस्जिद अभी भी है, वहां पर एक पीर था, फेमस पीर था, उनका नाम था मौलाना बाबा। तो वो मेड सर्वेंट ने बताया, वो मौलाना बाबा के पास जाओ, वो कुछ जड़ी बूटियां दवाई देता है और उससे लोग ठीक हो जाते हैं। अभी उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं। इन दोस टाइम्स फॉर अ हिंदू लेडी टू गो टू मुस्लिम पीर वॉज अ बिग थिंग। बट मेरे पिताजी जो ज्योतिन्द्र जी है, आप देख रहे हो, उन्होंने उससे बताया कि आपको चलना है क्या, क्योंकि आपको ठीक होना है। तो हिंदी में कहते हैं कि मरता क्या न करता। तो उस हिसाब से वो लोग पीर मौलाना बाबा के पास चले गए और मेरे पिताजी ने एक साथ में बुर्का लिया था, तो मेरी दादी जी को बुर्का पहनाया और वो उसको लेके पीर के पास चले गए। तो पीर ने जब उनको देखा, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा बीमारी है और वो जा नहीं रही है सरदर, तो मैंने आपका नाम सुना कि आपकी दुआ दारू से लोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए मैं आई। तो मौलाना बाबा ने उनको कहा कि माई जी आपकी ये बीमारी है, उसकी दवा मेरे पास नहीं है, मैं आपको दवा नहीं दे सकता। तो वो नाराज हो गई मेरी दादी और उन्होंने मेरी पिताजी की ओर देखा, तो बोला कहाँ पर हम लोग फंस गए। लेकिन उन्होंने उसकी शक्ल देख के पता चल गया कि पेशेंट नाराज हो गया है, तो उन्होंने उनको बताया, लेकिन नहीं आप चिंता मत करो, मेरा एक भाई है, उनका नाम है साई बाबा और वो शिरडी में रहते हैं, तो आप उनके पास जाओ, वो आपको जरूर ठीक कर देंगे। अभी ये सब सुनने के बाद में, अभी शिरडी कहाँ है, साई बाबा कौन, इन लोग को तो कुछ नहीं जानते थे, दे वेर नोइंग नथिंग, दे वेर एब्सोल्युटली जीरो एज फार एज दिस साई बाबा शिरडी एटसेट्रा इज कंसर्न। लेकिन मेरे पिताजी डट के थे, अंग्रेजी में उसे बोल सकते हैं कि ही इज अ डेयर डेविल कैरेक्टर। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि आपको चलना है क्या शिरडी, मिलना है क्या साई बाबा से, मैं लेके जाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मरता क्या ना करता, तो वो अपने माताजी को लेके शिरडी चले गए। अभी शिरडी कैसे गए वो, तो उन्होंने, वो खुद सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे, मरीन लाइंस पे जो सेंट जेवियर स्कूल और कॉलेज है मेट्रो सिनेमा के नजदीक, तो वहां पर एक ईरानी की रेस्टोरेंट है जहां पर मेरे पिताजी रोज लंच करते थे।
तो उन्होंने उससे सब पता करवाया कि शिरडी कैसे जाने का, तो उनको और शिरडी कहाँ है और कैसे पहुंचने का वहां पर, तो उनको पता चल गया कि मुंबई से लेके ट्रेन पकड़ के मनमाड़ जाने का, मनमाड़ से दूसरी ट्रेन पकड़ के मीटर गेज छोटी ट्रेन होने की वो पकड़ के कोपरगांव जाने का, और कोपरगांव से टांगा या बैलगाड़ी जो भी मिलेगा वो लेके कोपरगांव से करीबन 10-11 किलोमीटर पे शिरडी है, तो वहां पर बैलगाड़ी या टांगे में बैठ के चले जाने। तो इसके मुताबिक वो माँ और बेटा ये एक फ्राइडे नाइट को निकले और सैटरडे मॉर्निंग वो शिरडी पहुंच गए। अभी शिरडी जाने के बाद में उन्होंने पता करवाया लोगों से कि हमें भाई साईं बाबा से मिलना है, तो लोगों शिरडी के लोग तो जानते थे, तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे आप चले जाओ। तो वो इस तरीके से द्वारका माई पहुंच गए। अभी जो भी है ये मेरी फैमिली है, और ये जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब मैंने अपने पिताजी से सुनी हुई बात है, और उसके बाद में जो भी हुआ करीबन ये लोग 1909 से लेके 1918 मतलब ये 10 साल ये लोग शिरडी गए, करीबन 16-17 बार ये लोग गए शिरडी। तो आप समझना चाहिए कि कितनी उनके मन में साईं के प्रति श्रद्धा, मैं तो कहूंगा वो साईं से प्यार ही हो गया उनको, और बस सब कुछ उनके लिए साईं था। तो वहां पर जाने के बाद में क्या हुआ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी। तो मेरे पिताजी और मेरी दादी वो द्वारका माई में, जो कि एक डायलैपिलेटेड मस्जिद जिसका अंग्रेजी करेक्ट डिस्क्रिप्शन डायलैपिलेटेड मस्जिद, उसमें छत भी नहीं था, तो वहां पर उनको पता चला कि यहाँ पर साईं बाबा बैठते हैं, तो वो पहुंच गए वहां पर। तो साईं बाबा बैठे हुए थे और तो कोई था नहीं, तो ये दोनों नीचे खड़े रह गए, साईं बाबा ऊपर मस्जिद में वो 3-4 स्टेप्स होने के बाद में बाबा बैठते थे, जो कि ये फोटो में जैसे दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल उसी तरह वो बैठे रहने के, लेकिन एक फकीर के तरह। और नीचे क्या उनका आसन होने का, तो वो गोनपाट मतलब वो जो गुनी आती है चावल रखने की गेहूं रखने की गुनी, वो गुनी खाली गुनी पे वो बैठते थे, और पटेले कफनी और इस तरह के उनका पहराव होने का। तो ये लोग आने के बाद में जब उन्होंने देखा तो उनको अजीब लगा कि अभी ये जो साई बाबा है ये अपने को कैसे ठीक करेंगे। लेकिन खैर वो आए तो थे, तो उन्होंने हाथ जोड़े खड़े रह गए। तो क्या होगा, बाबा ने उनकी तरफ देखा और बाबा ने बोलने को शुरुआत कर दी। बाबा की यही स्टाइल थी, स्टाइल के बदले मैं कहूंगा कि खासियत थी, दिस वॉज हिज स्पेशलिटी। एक बार देख लिया शक्ल को तो उसका पूरा जानकारी बाबा को हो जाने की, और वो बात करने को शुरुआत करने के, तो आदमी अचंभे में पड़ जाने का
ये सब कैसे जानता है? मैं तो कुछ बोला भी नहीं, मैं तो कुछ बोली भी नहीं। तो बाबा ने शुरुआत की कन्वर्सेशन, कहा एक्चुअली बाबा का कन्वर्सेशन मराठी में होने का, वो कोलोक्वियल मराठी लैंग्वेज। तो बाबा ने कहा, माँ आई टू आलिस, मतलब यू हैव कम, तो आओ आप ऊपर आओ, मतलब वो स्टेप चढ़ के ऊपर जाना पड़ा। तो उन्होंने नरियल प्रसाद जो भी लिया था वो बाबा के पैरों पे चढ़ा दिया। और बाबा तो अपने खुद के मूड में वो चालू ही किए रखा उन्होंने। तो इन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं, ये खाली नमस्कार करके खड़े रहते। तो बाबा ने कहा, आए मदर, ओ मदर, तुझे डोकल लय दुखते नहीं, मतलब आपका सर में बहुत दर्द है नहीं? तो मेरी दादी तो बिल्कुल अचंभे में पड़ गई कि अरे ये कैसे जानता है। फिर उन्होंने सेकंड सेंटेंस बताया, आए माझ्या भावानी तुला माझ्याकडे पाठवलं नाही, मतलब माय ब्रदर हैज सेंड यू टू मी, इजंट इट? तू वापस अचंभे में, अरे ये बाबा कैसे जानते हैं? वो हमको तो मौलाना बाबा ने बोला था कि भाई मेरा भाई है वो, उनके पास जाओ, वो ठीक कर देगा आपकी ये बीमारी। तो उनको धीरे धीरे हौसला होने को लगा कि ये तो बड़ा अजीब फकीर है, ये तो बिल्कुल अजीब किस्म का जादूगर है, ये तो ये क्या बोलता है, हमने तो इनको कुछ बात भी नहीं की, बताया भी नहीं, और इन्होंने तो शुरुआत कर दी और बिल्कुल सही चीज बोलता है। तो फिर बाबा ने क्या किया, तरकंड जी, एक मिनट, सॉरी, आप थोड़ा माइक थोड़ा पास आओगे, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा। ओके ओके, तो हाँ सॉरी, थैंक यू। हाँ ठीक है, आई कैन नाउ दे कैन हियर, या सो बाबा ने शुरुआत की कि मैं दूसरा माइक लगा रहा हूं। हाँ, बाबा ने शुरुआत की कि हेलो, नाउ यू कैन हियर, या सो बाबा ने शुरुआत की और बता दिया कि मेरे ब्रदर ने आपको मेरे पास भेजा है ना, और आपका ये सर बहुत दर्द करता है। और फिर बाबा ने क्या किया, अभी ये चीज को हम लोग सब चमत्कार बोलेंगे, लेकिन मेरे मुताबिक ये कोई चमत्कार वगैरह नहीं, कि दे हैव रीच द डिविनिटी, दे हैव रीच द जो जो डिवाइन है, खुद परमात्मा है, उनके पास वो लोग पहुंच गए थे। नहीं तो इसके सिवा ऐसे इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं होगा जो बगैर चेक किए, बगैर कुछ किए ऐसी तरह इस तरीके की बात करेगा। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन यही असली बाबा है। तो बाबा ने क्या किया कि वहां पर एक टमरेल होने का, उसको मैं टमरेल बोलता हूँ, मतलब एक डब्बा, एक पतरे का डब्बा, और जिसमें उदी होने की, तो वो उदी में, आई एम सॉरी, आई कैन हियर टीयर्स, आई कैन सी द टीयर्स इन द आईज ऑफ चंद्र चंद्र जी। तो आप इमेजिन करो कि लोगों को क्या हुआ होगा। तो बाबा ने अपना पंजा, जिसको मैं पंजा बोलूंगा, वो पूरा का पूरा पंजा वो टमरेल में डुबा दिया। इसका मतलब उस पे पूरा उदी का उदी चढ़ गई वो पंजे पे, और उन्होंने उस पंजे से जोर से मेरे दादी के सर पे मार दिया, और सर को वो पंजे में टांग
टाइट पकड़ के उन्होंने, जिसको मैं कहूंगा सिंहगर्जना, जिसको करेक्ट वर्ड रहेगा सिंहगर्जना, अभी ये सब वो बीमारी के लिए था, तो बाबा ने सिंहगर्जना कर दी कि आए आप, मेरे ख्याल से थोड़ा तो समझ जाते होंगे अभी मैं इसलिए वो बोलता हूँ जो कि बाबा ने कहा था, तो मराठी में कहा था, आए आज पासून अपने अंता पर्यंत, मतलब फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम टिल योर डेथ, टिल आपके अंत तक ये आपका सर दुखना बंद हो जाएगा, ये आपकी बीमारी चले गई ऐसा समझ लो। और ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब क्या हुआ होगा क्या नहीं वो सिर्फ मेरी दादी जी जान सकती है, ना हम ना तुम, हम कोई नहीं जान सकते, लेकिन जो हुआ वो सच हुआ। और पता नहीं मेरे दादी जी का पूरा चेहरा ही बदली हो गया। मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ कि ये मेरे पिताजी देख रहे थे, वो नीचे ही खड़े थे, वो नीचे से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरी माँ और ये फकीर और ये कुछ उनको तो उस वक्त मालूम नहीं था ये उदी उदी क्या होती है, तो ये क्या कर रहा है, हाथ पकड़ वो सर पे मार रहा है, पकड़ रहा है और कुछ गर्जना कर रहा है, क्योंकि बाबा जो बोलने के वो काफी लाउड बोलने के, जिससे कि आदमी डर जाएगा, लेकिन वो आदमी के लिए नहीं होने का, वो उस बीमारी के लिए होने का, वो जो बीमारी है उसके लिए। तो मेरी दादी जी ने मेरे पिताजी से कहा, अरे ज्योति, उनका नाम ज्योतिंद्र है तो वो प्यार से उनको ज्योति बुलाती थी, कि ज्योति अरे खाली का है वो रहे लाइट्स, मतलब नीचे क्या खड़े हो, आ जाओ ऊपर आ जाओ, इनके पैर छुओ, इनके पैर पड़ो। तो मेरे पिताजी तो अचरज में पड़ गए, उन्होंने अपनी माँ का इस तरह का रूप नहीं देखा था, कि वो तो हमेशा प्यार से बोलने वाली माँ थी उनकी, तो अब तो वो उनको ऑर्डर कर रही थी भाई आओ पैर पड़ो। एनीवे मेरे पिताजी ने वो कर दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ वो दूसरी कहानी है। तो ऐसी वो फर्स्ट मीटिंग है, तो बाबा ने उनको कहा कि अरे भाऊ, इसका मतलब उनको मेरे माँ दादी को बाबा ने कहा आए, और मेरे पिताजी को उन्होंने कहा भाऊ। इसके बाद में वो आए। सरकार जी, हाँ जी, people are saying they're not able to hear you well. Okay. Is there any other way that you can increase the volume on your side? I'm trying. Yeah, I'm trying. Is it okay now? Is it all right? Yeah. So I think some people have issues, but yeah. I would suggest whoever has the issues, they can increase their volume, but they may be having things. So. And we have to a little bit, you know, adjust, because Tarkhanji is going to take some time. He has, so let's continue Tarkhanji. Yes. Yeah. So, उन्होंने मेरे पिताजी को पकड़ा और कहा, भाऊ, आप उठो। अरे भाऊ, आप मुझे जानते हो? तो मेरे पिताजी ने कहा, नहीं तो, मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ। और मैं तो बम्बई में होता हूँ और शिरडी में भी पहली बार आया हूँ, तो मैं नहीं जानता आपको। तो उन्होंने बताया, अरे भाऊ, ऐसे कैसे तू भूल गया, हम पहले मिले हैं। तो मेरे पिताजी को तो कुछ याद नहीं था। फिर बाबा ने बोला, अच्छा चलो ठीक है, मुझे नहीं जानता। फिर उन्होंने अपने कफनी में, वो जो बाबा की कफनी होने की, उसको एक पॉकेट होने का, उसमें हाथ डाल के उसमें से एक पैसा निकाला और वो बताया मेरे पिताजी को कि अरे भाऊ, इसको तो भी तू जानता है। तो मेरे पिताजी ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ ये तो एक पैसा है, उस जमाने का, मतलब डिनोमिनेशन होने का,
pay, paisa, ana, rupia. Those were the coins of those times. तो बोले हाँ ये तो एक पैसा है. तो बोलते अरे भाऊ तुझे याद है एक दिन मेट्रो सिनेमा में लंच लेके मतलब मेट्रो सिनेमा के होटल में लंच लेके तू दौड़े दौड़े अपने स्कूल जा रहा था और एक फकीर ने तुझे पकड़ा और वो भिक्षा मांगी और तू ने ये एक पैसा निकाल के उस फकीर को दे दिया. अब तुझे याद है. तो अब मेरे पिताजी के दिमाग में आ गया कि अरे हाँ ऐसे तो हुआ था. एक मेट्रो सिनेमा से मैं वो ईरानी के यहाँ रोज लंच लेके और मैं जाता था स्कूल में और एक फकीर ने मुझे पकड़ा था और मैंने निकाल के दिया था. तो फकीर ने भी बोला था कि अरे भाई ये तो एक पैसा है, तू तो बच्चा है मतलब छोटा लड़का है. वो जमाने में वो पई वॉज द लोएस्ट डिनोमिनेशन. तो लोग किसी को पैसा मतलब भिक्षा देने की तो ऐसा पई देने के. अगर बड़ा आदमी आएगा तो ठीक है और पैसा या तो आना या तो रुपया. तो वो फकीर ने कहा था अरे ये तो एक पैसा है मतलब इतना बड़ा डिनोमिनेशन तो दे रहा है. तो मैंने पिताजी ने कहा कोई चिंता मत करो आप रख लो क्योंकि मुझे रोज खाने के लिए चार आने मिलते हैं. तो वो बहुत काफी कुछ ठीक है उस जमाने में. चार आने मतलब पता नहीं आज के 4 रुपए की 40 रुपए जो भी है. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप रख लो कोई चिंता नहीं. तो उन्होंने रख दिया था. तो फिर बाबा ने उनसे कहा कि अरे भाऊ अब तो भी तू जानता है. हाँ फिर मेरे पिताजी ने बोला हाँ जरूर अब तो मुझे याद आ गया कि ये हुआ था. तो फिर बाबा ने कहा अरे भाऊ वो फकीर और कोई नहीं था वो मैं था और मुझे पक्का था मुझे मालूम था कि तू एक ना एक रोज जरूर मेरे पास आएगा. तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पैसा संभाल के रखा था. तो ये तेरा पैसा तू अभी वापस ले ले इसकी पूजा कर और इसको बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे. तो ये इस तरीके से उनकी मुलाकात हो गई थी साईं बाबा से. और इसके बाद में तो जो सफर शुरू हो गया वो सब कुछ इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है. जो भी है मेरे पिताजी के मेरे दादाजी के मेरे दादी के जो अनुभव है वो इस किताब में लिखे हैं. आप जरूर इसको पढ़ लेना बिकॉज दिस इज अ मस्ट फॉर साई डीओटी. सो तरखंड जी अगर If somebody wants to get hold of this book, or कैसे वो लें ये बुक कहाँ पर होगी? अभी ये नॉर्मली किताब का वितरण तो मैं ही करता हूँ लेकिन ये इंडिया में इजी हो जाता है. अभी यूएस भेजने का या और कहीं भेजने का तो मेरे ख्याल से मुझे वो डिजिटल किताब बनानी पड़ेगी बिकॉज आज जमाना बदली हो गया. ये जब किताब मैंने बनाई दैट वॉज इन The year 2004. तो जबकि मैं रिटायर हो गया था तो उसके बाद में मैंने ये पब्लिश की थी. लेकिन अभी मुझे डिजिटल किताब बनानी पड़ेगी. मेरे ख्याल से वैसे इंटरनेट पे ये किताब है लेकिन उसका डिटेल मुझे मालूम नहीं. ओके ओके नो प्रॉब्लम. सो तरखंडी आप हाउ ओल्ड वर यू जब आप ये ज्योतिंदर अपने भाऊ जी से स्टोरी सुनते थे ऐसे आप कितने ओल्ड थे? यू सी आई एम बोर्न इन 1943 और मेरी पिताजी की डेथ है 1965. मतलब जिस 1965 में मैं फाइनल ईयर बी इंजीनियरिंग में था. तो अभी वो जो स्पैन है मेरा लाइफ स्पैन तो 43 to 65 तो करीबन वो टाइम में
वो जो भी पिताजी बोलने के, मतलब जब से मैं जानता हूँ से मेरी उम्र वो 5-6 साल से पकड़ के 65 मतलब 16-17 साल नहीं सॉरी 22 इयर्स मतलब 5-6 साल से 22 ईयर 22 साल मतलब 16-17 साल का मैं होऊंगा, जबकि मैंने ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुनते गया और ये मेरी 8 दिन में जमा हो गया था। तो जब मैं रिटायर हो गया तो वो 8 दिन को मैंने डाउनलोड कर दिया, ये किताब में डाउनलोड कर दिया और इसमें इसलिए करीबन 10-15 साल मैं सुनते रहा पिताजी की स्टोरियाँ। वो टाइम में मुझे भी लगने का कि देवर लाइक फेरी टेल्स फॉर मी, बट टुडे ऑफ कोर्स ऑफ ऑल रियलाइजेशन एंड ऑल विजडम डॉन ऑन टू मी अबाउट साई बाबा। और तरखन जी एक बात मैं और बताना चाहूंगा अब विदाउट डिवोटी इज दैट तरखन जी इफ यू गो टू समाधि मंदिर बाबा समाधि मंदिर यू विल सी द पिक्चर ऑफ आप सब लोग पिक्चर देखेंगे रामचंद्र तरखन जी की जब जब आप समाधि मंदिर में जाते हैं बाबा के ऊपर सब सबकी फोटोएं लगी हुई हैं उसमें से एक फोटो रामचंद्र तरखन जी की होगी है ना बाबा साहिब जी की होगी और बाबा साहिब तरखन भाऊ जी उनको रामचंद्र तरखन को बाबा साहिब कहते थे और ज्योतिंदर जी को भाऊ साहिब देवर लाइक आई सेड लाइक आई मेंशन देवर रियली रिच और मैंने आपको जो मैसेज भेज रहा हूँ उसमें मैं आई यूज टू सेंड यू टीजर थोड़े बताता था कि वो उस समय में 1910 में 2000-5000 रुपए पर मंथ सैलरीज देवर ड्रॉइंग वो खताऊ मिल्स जो बाइकोला में थी वहां पर जो बाबा साहिब थे वो स्पेशलाइज करते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ठीक है ना उस समय वो दोनों फादर एंड सन दे यूज टू मूव अराउंड इन द स्टड बेकर कार वेरी आई लुक मैंने गूगल में किया स्टड बेकर कार वेरी फैंसी उस आई मीन आप विजुलाइज करो कि 1910 में इतनी रिच फैमिली और शिरडी में जहाँ की लाइट भी नहीं है कुछ भी नहीं है जो उत्तराखंड डाइलेपिडेटेड मॉस्क वो द्वारका माई वहां गए और ऐसा किया दिस इज रियली मेस्मराइजिंग really great thing jo i mean unhone kiya this is that shows the you know how our baba miracle is kaise wo molana sahib se connect hue telepathy or what not or the authenticity jab main ye aur dusri baat jo maine book mein about tarkhan ji ne bataya ki jo jyotinder ji he was very learned like he was saint xavier school mein jate the वेरी एजुकेटेड साइंटिफिक माइंड तो ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे तरखन जी कह रहे हैं फेरी टेल्स एब्सोल्युटली फेरी टेल्स यू नो सो आई थिंक दिस इज रियली नाइस टू हियर फ्रॉम यू सो आई थिंक शेखर जी आप कुछ पूछना चाहते हैं ना कोविड जी कोविड के रिलेटेड प्लीज सायराम तरखन जी यू नो इट वॉज ए रियली डिवाइन फीलिंग वी हैव नाउ यू एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड अस टू यू नो शिरडी बाबा साहिब इट्स अमेजिंग you know, we heard or we read in Sai Sachita that even Baba when he's alive, you know, they had pandemics like cholera and plague and so on and so forth. And we know, I mean, Baba had treated them, you know, protected his devotees very well. So what do you think, like right now we are going through the situation like COVID-19 and the whole world is under the grip of this pandemic. So what is the experience that, you know, I know Jyotindraji has had one experience like that. Can you explain that? Oh, yeah, sure. I would very much love to do that. Of course, my way of looking at things will be slightly different because of the divine experience of my father. The book that I have shown you, I think the chapter 5. Chapter 5 is on what the title of that chapter is, Darshan
of Mariai, and that is something like today's situation. Of course, at that time it was not pandemic, but it was epidemic in and around Shirdi village. And I would like to put it to you all, okay, today we are calling it as a huge disease, because as on today there is no medicine and people are dying. I think the figures are almost 4.5 million as far as the affected people, and I think deaths are also closing on to 1 lakh or maybe more. But I wouldn't like to call it as a disease, purely because of, from Baba's angle, I am looking at it. You see, as far as Sai Baba is concerned, as I have already declared to you, that he is a divinity himself. So he wouldn't call anything like disease. This is the nature's cycle. You see, in so-called Indian mythology or Indian religion, we believe in God, and God stands for generator, organizer, and D for destroyer. So this is the nature cycle. In Marathi we call it Utpasti, Sthiti and Lay. So this is the nature. This is going to happen as long as this earth is there and as long as the universe is there. So this is a natural process and this will happen, and these are the divine powers. Now, as far as Sai Baba is concerned, his role is altogether different. His role is a protector. Though he himself is a divinity, but he performed the role in Shirdi. Shirdi was his karma bhumi, and he performed his role in Shirdi for almost 60 years. Very actively, and he performed the role like a protector. So this chapter on Mariai in my book, I have named it, as my father used to tell, ki Darshan of Mariai. He did not call it as Mahamari, not Mahamari. It is a Mariai. So that is also a divine power. And its role was to kill people. So she is actually Goddess Kali. If you all know Goddess Kali, the darshan of Goddess Kali was given to Swami Vivekananda by none other Ramakrishna Paramahansa. Similarly, almost to that extent, when my father reached in that particular time to Shirdi, I think, I am not very sure, authentically I cannot tell you, but possibly he went to Shirdi, means my father, along with Anna Sahib Dabhokar. That is the charitrakar of Sri Sai Sat Charitra. Because as far as Anna Sahib is concerned, it was his first visit to Shirdi when he saw Sai Baba grinding the wheat on a grinding stone. So he realized, what sort of this guru I am going to see, because he was told that you go and see my guru. That was told by Kaka Sahib Dixit and Nana Sahib Chandorkar. So possibly my father
because when he landed on that particular year in Shirdi, there was a cholera epidemic going on. People around Shirdi were dying. So, as Malik ji said, my father was a learned man. So, when they got down at Kopargaon, they could hear from that Tangewala, ki, we have come to this place at the wrong time because people are dying there with the epidemic. There is a serious epidemic going on around Shirdi. So my father got little scared inside. In heart of his heart, he thought maybe we are in Shirdi at the wrong time. But nevertheless, at the same time, he said to himself, if there is some danger, Baba will drive us out and he will tell, you please immediately go away, go back. So they decided, no, nothing, not to worry. We are in Baba's land, so he will take care of us. Such a supreme confidence, such supreme confidence they had. And that is called the real Shraddha and real Bhakti. So, dear Sai devotees, please have that supreme confidence in you. And that is what Sai. So, they reached Shirdi. Baba didn't say anything to them. Particularly now I will talk on my father, because I have no idea what Anna Sahib has felt and what he experienced. I have no idea. So my father waited for a day. Baba is not telling us anything. He is not telling us to go back. So that means he will take care. So now what exactly happened, I will tell you. Please kindly excuse me. Give me a break for a minute. I will come back to you. अच्छा जब तक मैं यू नो जब तक तरखन जी टेक्स अ ब्रेक यू नो ही इज ओल्ड एंड ही हैज सम यू नो वेंट थ्रू मेडिकल थिंग लास्ट ईयर सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल वी आर प्लानिंग टू हैव दिस सीरीज एवरी सैटरडे विद बाबाज ब्लेसिंग यू नो हर सैटरडे इसी टाइम हम मैं बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि दे विल यू नो वी अरेंज फॉर सम स्पीकर और तरखन जी के पास यू नो फर्स्ट हैंड जो ही हैज हर्ड स्टोरीज अ लॉट ऑफ स्टोरीज सो वील ही विल कम नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स बट आई वांट टू शेयर विद यू नेक्स्ट वीक डॉक्टर गवनकर जी आप लोगों ने सुना होगा कि वो डॉक्टर गवनकर जी जो थे वो जब ही वॉज 7 years ओल्ड वो बहुत छोटी एज में बाबा के पास गए थे और उनके जो सन हैं साईनाथ गवनकर जी आई वांटेड टू शेयर विद यू उनको हम नेक्स्ट बुला रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे ओके सो आई वांटेड टू शेयर विद यू ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं डॉक्टर गवनकर जी ही वाज वेरी मच इनटू साई और वो अपनी काफनी उस समय जब वो छोटे थे उसके पीछे क्या स्टोरी थी ये सब बातें आप राइट साइड पे देख सकते हैं साईनाथ गवनकर जी जो हैं वो उनके सन हैं और उन कुर्ला में रहते थे उनके घर में बाबा साक्षात आए थे कैसे आए थे किस रूप में आए थे वो सब स्टोरी नेक्स्ट वीक आपको साईनाथ गवनकर जी जो कि उनके सन हैं वो बताएंगे ये बाबा की काफनी जो है जो बाबा ने अपने आप यू नो ही गेव इट टू डॉक्टर अन्ना साहिब गवनकर जी जब वो शिरडी में गए द्वारका माई में गए उनको क्या डिजीज थी वो सब कुछ नेक्स्ट वीक आपको बताएंगे अगेन यू नो प्लीज स्टे ट्यून मैं आपके पास लिंक होगा मैं आप कॉमन चैट में अपना ईमेल एड्रेस कर रहा हूँ आप कनेक्ट करिए यू नो वी डोंट हैव अ कॉमन वे हाउ आई कैन कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू और आई नो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ 100 बट नेक्स्ट सैटरडे स्टार्टिंग नेक्स्ट सैटरडे वी आर गोना इंक्रीज इट टू 5 devotees because this is really great this is happening because of baba's blessing baba wanted this to happen and I'm so pleased that all devotees across the world are able to make use of this so
That's what I wanted to share with you. Okay. So, Tarkhanji, over. Yeah, I'm back. I'm sorry. I do get some trouble, of course, because of the medicines, and then I have to take some break. Yeah. So, what happened next? So, one of the evenings, normally my father will go and he will light the Petromax lamp whenever he is in Shirdi. These lamps were from time to time donated by these Tarkhat people because they had realized that there used to be quite a substantial darkness in Dwarka Mai the moment the night falls. So there were some 10-15 Petromax lamps were given, rather donated by these people to Shirdi, and they were, my father will go and light them in the evening. So one of the evenings when he was preparing the this Petromax lamp, Baba got enraged. Baba's enragement was extremely difficult to bear, and he told my father that, Bahu, what the hell you think of yourself? Today I will cut you into 7 pieces and I will bury you under this Dwarka Mai. So my dad got scared. He said, what is this happened to Baba? Suddenly he is shouting, and that too directly onto me, and I am going to lead this Dwarka Mai, and he is talking of cutting me into pieces. And so he got damn scared. And he realized that there must be something, and maybe I made some mistake. So Baba is enraged onto me personally. So he went to Baba. He had that, you see, that relationship was by now quite thick and thin. So he caught hold of his legs and he says, Baba, I'm very sorry. In case I have made some mistake, please pardon me. But don't get angry onto me like this. You see, it is difficult for me to bear. So Baba told him, okay, if that is the case, please press my leg. Keep pressing my leg. So my father obliged. He did that. But in no time, he saw, in fact, that was the darshan of Mariai. So he saw that Kali Mata in the Dwarka Mai, and he got scared looking at that, you know, the killer, so-called, the killer sight of Kali Mata. He got so much scared that his whole body started perspiring and it became wet. And he was pressing Baba's legs very, very hard. So much scared he was. Then he saw that Baba is shouting that Kali Mata is, you know, showing us Rudra Roop. And he was not able to understand. But soon he lost his consciousness and he fell asleep. When he got awakened, he saw Baba is holding him onto his shoulder and awakening him, ki, Bahu, you get up, get up. So he was so much scared that he told Baba, Baba, please give me some water. My throat is dried up. I cannot talk. I cannot do anything. I need water very badly. So Baba gave him the water from that Kolamba. And he says, Bahu, come to it. Take it easy.
So my father told Baba, Baba, I don't come to Shirdi for such sights. Please don't scare me like this. I will not be able to stand this sort of sights. So Baba, in a very jokingly way, he asked my father, Are Babu, you please tell me what has happened? What did you see? So my father, since the incident was very fresh, he narrated everything to Baba. He told him, I saw that Bhayankar Roop, you know. He didn't know that this is a goddess Kali. You see, my father didn't know. But he saw that everything. See, it's a very interesting. I can tell you all side devotees. You all know the Gita and the Lord Krishna and the Kurukshetra. See, though Krishna was the Lord himself, but that so-called Krishna's Divya Roop, yeah, that was only seen by, of all the people, only Arjuna. Only Arjuna could see the great Roop of Krishna. And such a small thing, such a scenario, that is what my father experienced. So he told Baba, I saw that and I lost my consciousness because I was scared. So Baba told Babu, Are Babu, do you know who she was? So my father said, I just don't know anything, but I saw you shouting something, she doing something, and I lost my consciousness in the process. So Baba told my father, Are Babu, that was Mariai. See, he didn't say that she was Mahamari. He termed her as Mariai. Means that is also a divine power. She is a divine power. Her role is to kill and to kill the people. And that is what she was doing. This is what Corona is doing today in the world. We are calling it pandemic. It was a epidemic at that time in Shirdi. So Baba told my father, Are, do you know why she has come here? Because she had entered the Dwarka Mai. See, that Dwarka Mai is a secret place of Baba. But Babu, she was asking for you. That means she was asking your body. And I was fighting with her. I told her, you can take 5 more. That means you can take 5 more bodies, but not my Babu. My Babu, I will not release, not give it to you. My job is to protect. My job is to protect my devotees. And that is what the message I want to give to you all side devotees, that have that strength, that strong Shraddha into Baba. Till such time, the corona medicine is found by the scientists, by the world, and then the pandemic will slowly, slowly go down. So, Chandrasekharji, you wanted to know, and this is how I look at today's corona from Baba's angle. Okay, yeah. So apt message for this time. Absolutely. Yeah, this is really great. And Tarkanji, I know it's 1 hour, and I know you have been speaking. We have been listening. हम तो चाहेंगे कि हम ये पूरी रात सुनते रहे, but I know we have restrictions. आपको भी करना है.
तो हम क्या करेंगे कि आई नो वी हैव लॉट ऑफ अदर स्टोरीज कि आपको सब डिवोटीज को साइंट डिवोटीज को ये भी पता हो कि तरखन जी के घर एक मंदिर भी था और वो मैं मंदिर आपको भी दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसमें किया हुआ है एक में ये तरखन जी के घर में मंदिर था ज्योतिंदर जी और बाबा साहिब के यहाँ उन्होंने बनवाया था सैंडलवुड का मंदिर। इसमें आप देख सकते हो बाबा की फोटो है, इसके पीछे क्या रहस्य क्या कहानियां हैं, उनको कैसे ये सब मिला, ये सब हम कहानी और बहुत सारी कहानियां वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। इस आज के सेशन को हम इस तरह क्लोज करेंगे कि तरखन जी हम आपसे सुनना चाहेंगे वो आपके पास आपका एक्सपीरियंस था सिल्वर डिब्बी का। हाँ जी वो आप अभी सुनना चाहते हो, अभी मैं बताऊं? अगर आप चाहते हो हम नेक्स्ट टाइम तो हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। आई नो एक घंटा हो गया और काफी है तो आई नो मैं आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस की इसकी रिकॉर्डिंग सो आई हैव पुट ऑन चैट ईमेल एड्रेस और नंबर। हम सब डिवोटीज क्या है यू रीच आउट टू मी और शेखर जी। शेखर जी कैन यू पुट योर यूएस नंबर एज वेल एज ईमेल एड्रेस सो दैट यू नो वी बोथ कैन हेल्प डिवोटीज गेट हैंडल अराउंड दिस रिकॉर्डिंग। Or yes, like sir. I said, we will increase this number to 500 from next time. This is hello. Hanji Tarkhan ji. Before you shift or close, I will just simply show my family. Sure. Available here. So this is me, of course. My wife is sitting next to me. That is Kunda ji. My son is here. That is Mahendra. I'm sure you are able to see. And she is my daughter, Sujal Tarkad. So this is my compact family as I wanted you to have a look. Okay? Thank you. Sure. That's all. So yeah, I'm serious continue looking on another thing. Ki next week, I'm Sainath Gavankar ji ko bula rahe hain. We'll give some break to Tarkhan ji. और उसके बाद फिर अगेन हम देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज कि कैसे तरखन जी जो भाऊ थे उनसे बाबा एक बार उनको ले गए जंगल में, उनका टेस्ट लिया, उनको एक बार कैसे वेताल मिला, ये जो सारी चीजें हैं यू नो हम वी स्टडी साइंस इन टुडेज वर्ल्ड दिस मे बी यू नो लुकिंग यू नो दिस मे नॉट बी ट्रू बट दैट्स व्हाई आई वांट टू एम्फसाइज टू एवरीवन ज्योतिंदर तरखन जी वॉज अ वेरी लर्नड मैन बोथ his father and him. So these are really good stories and I mean these are really raise your goosebumps when you hear and that also first hand from Tarkhan ji jo ki he is blessed to hear these stories as night time I guess bedtime stories from Bhau. So that is really great. Hello. Malik ji, Anji. One small correction, please don't call them stories. They are Sai Leelas. Sai Leelas, yes, yes, okay. Yes. They are all Leelas of Sai. Definitely. And as the Sai, I call him, he is our deity, yeah? As far as we are concerned, so he is our deity and he is the divinity himself, yeah? Yes. So they were not stories. They were all his Leelas. His Leelas. They were and, all his creation. Yeah. And this, today, this session which is happening, that is also Sai Leela. ओके क्योंकि जब इसको शुरू करने से पहले हमें पता नहीं था कितने लोग करेंगे क्योंकि इसको लॉजिस्टिक्स ही बड़ी इशू है, कईयों का कनेक्ट होगा कईयों का नहीं होगा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बाबा दैट दिस इज हैपनिंग। ही वांट्स कोविड हो रहा है कुछ नहीं, मेरा प्रचार करो बाबा इस समय हमारे। और मैं कहता हूं तरखन जी आप नहीं बोल रहे, बाबा आपसे बुलवा रहे हैं। जैसे हेमंत पंजी से बाबा ने लिखवाया, बाबा ने कहा तू नहीं लिखेगा मैं तेरे से लिखवाऊंगा, ऐसे ही बाबा आज आपसे बुलवा रहे हैं कि देख ये मेरी लीला है। तो ये जो कोविड हो रहा है ये सब ठीक हो जाएगा। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि आई डोंट वांट टू बर्डन ऑल ऑफ यू गाइस विद क्रिएटिंग अनदर व्हाट्सएप ग्रुप। आई नो ऑल ऑफ यू गाइस हैव लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप बट मे बी दैट मे बी द राइट वे फॉर मी टू कम्युनिकेट शेयर एनी लिंक्स। सो इफ यू रीच आउट टू मी और शेखर जी वी विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दिस सीरीज, व्हाटएवर आर द लिंक्स ऑल दैट स्टफ वी विल पुट इट देयर।
Okay. So with that, we'll close today's session. Sairam, all, thank you for joining. Thank you. Sairam. Thank you so much, Sairam ji. Sairam. Sairam. Sairam.